हे माय बटरफ्लाई, कैसा है आप सब? बढ़िया। बीटीएस ऑफ कैमरा स्टोरी, ऐसी बहुत सी स्टोरी है जो कैमरे के सामने नहीं आ पाती। जो बीटीएस के आपस की बात होती है, आपस की स्टोरी होती है, इस वीडियो में हम वही बीटीएस की स्टोरी देखेंगे। जैसे वी और आरएम की आइसक्रीम स्टोरी, वी और जिन की बर्थडे स्टोरी, जिन और आरएम की मोबाइल स्टोरी और जेहोब जगी की बनाना स्टोरी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद जिन आरएम की मोबाइल स्टोरी से। जिन अपने लाइफ में बता रहे थे कि आरएम खाना खाते टाइम भी हमेशा फ़ोन पर लगे रहते थे, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। जिन ने कहा, जब मैं रैप मॉन मतलब आरएम के साथ, हमारे नेता के साथ खाना खाता हूँ तो वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है। सच में ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि हम साथ में खाना खा रहे हैं। तो मैंने बहुत सीरियसली इस मुद्दे को उठाया। मैंने आराम से कहा, मौन, हम एक दूसरे के साथ थोड़ी बात क्यों नहीं करते जब तक हम खाना खा रहे हैं, ताकि हमारा बॉन्ड और बेहतर हो सके। उन्होंने अपना फ़ोन देखते हुए कहा, ठीक है जिन। उसने अपना फ़ोन रख दिया, लेकिन बात करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैंने कहा, ये मीट अच्छा है ना? फिर उसने कहा, हाँ। मैंने उनसे कहा, क्या हम कोक ऑर्डर करें? उन्होंने बोला, ठीक है। तो हमने एक कोक ऑर्डर किया और हमने उसे गिलास में डाला। मैंने उससे पूछा, आप कैसे हैं? उसने कहा, हम हमेशा साथ में रहते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैं बस पूछ रहा था। अब आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। मुझे कुछ नकली बातें पसंद नहीं है, नेचुरल चीज़ें हमेशा अच्छी रहती हैं। ये तो है। नामजूनी बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, हमसे भी ज़्यादा। सेकेंड स्टोरी जिन और वी की, ये बहुत प्यारी है। जिन ने अपने बर्थडे पर बताया, हमारा त्योंगी बहुत प्यारा इंसान है। कल रात इतनी देर से काम ख़त्म करने के बाद मुझे सो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन इसके बजाय मैं रात के 1 बजे तक जागता रहा, शायद किसी काम से, शायद लोग मुझे बर्थडे के मैसेज भेजे। मेरे दोस्तों को उनके बर्थडे पर बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, इसलिए मैं विश कर रहा था कि मुझे भी कुछ मिलेगा। मुझे सिर्फ 6 मैसेज मिले, ये काफ़ी सैड था। मैंने मन में सोचा, शायद मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने कल रात 1 बजे सोने से पहले बीटीएस मेंबर को ये बताया था कि मैंने रात 1 बजे तक इंतज़ार किया, लेकिन किसी ने मुझे मैसेज नहीं भेजा। मैंने उनको ये कहा और थ्योंगी, उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, उन्हें बताया कि आज मेरा बर्थडे है, और उसने मुझे मेरे बर्थडे की शुभकामनाएं देते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए कहा। तो उनके जितने भी करीबी दोस्त थे, जिसमें एक्टर पार्क सियो जून थे और भी कई लोग शामिल थे, काश मैं उन सभी के नाम ले पाता, उन्होंने मुझे वीडियो मैसेज भेजा। एनीवे, पार्क सियो जिन और उनके कई दोस्तों ने मुझे ये बताने के लिए वीडियो मैसेज भेजे कि वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं और मुझे कितना प्यार किया जा रहा है। उन सभी ने कहा, सिकजोनसी, हैप्पी बर्थडे। ये बहुत हार्ट टचिंग था। मैं इसे एक साथ रखने के लिए वी का आभारी हूँ। वी ने अभी अभी दोबारा फ़ोन किया। उसने कहा, मुझे आपके लिए कुछ और वीडियो मैसेज मिले हैं, आपको बहुत से लोग प्यार करते हैं। वी एक बहुत प्यारा इंसान है। वाओ, वी ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। वेल डन थ्योंगी। वेल, आरएम ने अपने लाइव में अपनी और थ्योंगी की आइसक्रीम स्टोरी बताई। आरएम ने बताया कि त्योंग जब शामिल हुआ था टीम में, मतलब, तो उसके बारे में मैं सोचता था कि ये एक ट्रबल मेकर की तरह दिखता है। हम दोनों ने बहुत अजीब कपड़े पहने थे और हम नॉन ह्यून डोंग के आसपास घूमते थे। हमारे कपड़े घिसे पीटे थे और हम ऐसे घूमते थे। हम टीम को बिना बताए आइसक्रीम खाने चले गए और हमें डांट पड़ी। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी यादें हैं। त्योंग और मेरा टेस्ट बिल्कुल बच्चों के जैसा है, हम दोनों ही। हमारे पास ऐसी बहुत सारी यादें हैं। जब हमने छोटे से शुरुआत की तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम साथ साथ घूमते थे, हम हान नदी पर गए। ऐसी यादें मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे यकीन है कि त्योंगी के लिए भी ये यादें बहुत अनमोल होंगी। वो आइसक्रीम याद है? मैं वो टाइम नहीं भूल सकता जब हमने अपनी जेबों में आइसक्रीम डाली थी। हम सड़क पर आइसक्रीम खाते हुए चल रहे थे, तभी हमने देखा कि एक ब्लैक वैन हमारा पीछा कर रही थी। हमने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं, ये हमारे एजेंसी से नहीं हो सकते, इसलिए हमने आइसक्रीम अपनी जेब में रख ली। उन्होंने हमसे पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, हम घर जा रहे हैं। मैंने फिर भी खाई थी ना? हाँ, तुमने खाई थी, मतलब जो आइसक्रीम आराम ने अपनी पॉकेट में डाल दी थी वो उन्होंने निकाल के खाई जबकि वो पिघल गई थी। जेहोब जेके की बनाना फाइट। जेके कह रहे, हम खाने को लेकर पहले बहुत लड़ते थे। जेहोब कह रहे, हाँ, मैंने एक बार जेके पर केला फेंक दिया था और कहा था खा लो तुम। जेके ने कहा, ओ हाँ, मुझे याद है, जब हमने डेब्यू किया था तो उन्होंने इसे ऐसे फेंक दिया था। जेके अपनी लाइव में बता रहे हैं कि ये मुझे भेजा गया था, मतलब फ्रूट बास्केट। मैं हैरान और खुश था क्योंकि मेरे लिए ये एक गिफ्ट था, एक गिफ्ट जो मेरे लिए आया था। वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट थे, हमने उन सभी को एक साथ शेयर किया। हालांकि सारे फल बहुत जल्दी से ख़त्म हो गए, पर ये मेरा एक गिफ्ट था। हालांकि मैं चाहता था कि बाकी लोग भी इसको एंजॉय करें, पर मैं कुछ फ्रूट अपने लिए रखना चाहता था। तो मैंने कहा, अरे ये मुझे मिला है। मुझे याद नहीं कि तब मैंने क्या कहा था, वैसे ये मेरे हैं, प्लीज़ इसे खाना बंद करो। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैंने कहा था कि ये मेरा है। अचानक होबी ह्यूंग ने मुझ पर एक केला फेंका और कहा, तुम ही खा लो ये सब। मुझे एहसास हुआ कि होबी ह्यूंग इस तरह गुस्सा हो सकते हैं। सच कहूँ तो मैं थोड़ा हैरान था कि कोई इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकते हैं जंगकुक, इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ओके देन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। सी यू अगेन।